مشان رابی ضرورت که مشان هندوستان چرا مشان مودی رابی ضرورت که مشی انصاف ضرورت انصاف چیم ضرورت टोटल दो फायर हुआ, दो दोनों फायर मेरे बेटे पर चलाया। अगर क्रॉस फायरिंग भी होती लगभग 100 फायर होता। झूठा इंतजाम यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं, सिर्फ जुल्म है। 12:30 का वाक़ा है, दराजपुरा इसका दुकान है, वहाँ एक्सेसरीज का कार एक्सेसरीज, वो हाथ धोने गया था, सीआर फेरे 3 आ गए टाटा मोबाइल में, वहाँ लोग बहुत थे, फिर वो उस पार गए नदी के पार, उसको वो सीधे वहाँ से आगे उसने हाथ ऊपर किए, इन्हें सीधे फायर उस पर फेंका। लोगों ने बताया हम उधर जाएंगे, उन्होंने जाने नहीं दिया उधर उसके पास। जब तक उसका खून लाश हो गया तब तक उन्हें जाने नहीं दिया। मैंने सीधे देखा फायर जब उन्होंने फेंका तो ये नीचे गिर गया। फिर उन्होंने बहुत उनको चलाया, उन्होंने माना नहीं, यहाँ से उन्होंने बोला भागो भागो, बोला हम आपको फायर फेंकेंगे हम। अगर कहीं गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। जो आप पर्टिकुलर इंस्टांस पिछले हफ्ते का बता रहे होंगे पुलवामा शुपया बॉर्डर एरियाज का, वहाँ भी हमने इंक्वायरी लगाई है। और किसी भी तरीके से जो सिविलियन उसमें इन्वॉल्व नहीं था ऐसे इसमें आ जाता है, तो सभी देय चीज़ें इंक्लूडिंग SRO 43 उनको देय रहेगी, और जो रिलीफ भी जो है वो भी दे रहेगा। Every citizen is shocked today. One more innocent person, one more unarmed person has been killed. Not by unknown gunmen, but allegedly by known persons who ought to provide the security to the common people. How unfortunate, how tragic. I don't have any word, not sufficient words to express my concern, condemnation of such a cold-blooded murder. आज शोपियान जिले के चित्रगाम तहसील के तुर्कवांगम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो कि ADM शोपियान द्वारा की जाएगी ऑर्डर की गई है, और जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है सुटेबल एक्शन जो लॉ के हिसाब से होगा वो लिया जाएगा। मगर इंसाफ करो, इंसाफ आज करें बीस में मे खुद सवाल बिचि पगह ग ब्या दुकान पगह करें बीस ती मे रोपि जरूरत कह मे इंसाफ जरूरत, इंसाफ चुम जरूरत, मे दिन सा गुलाब, मे दिन सा कातिल ये कातिलन मोर।